सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो क्योंकि इस चैनल पे बहुत माल पड़ा है। दोस्तों, अगर आप लोग गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते होंगे तो कभी न कभी इस कैमरे का आइकन जरूर देखा होगा। जो जैसे आप पीसी या कंप्यूटर में कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आप कैमरे का आइकन जरूर देखे होंगे। तो उसका क्या यूज है, एक्चुअली मैं ये बताऊँगा आज आप लोगों को। तो दोस्तों, हम लोग अभी अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ सर्च करना रहता है तो या फिर टाइप करके सर्च करते हैं या फिर उस वो माइक के ऑप्शन पे बोल देते हैं, वो आ जाता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जो कैमरे का आइकन दिया है उस कैमरे के आइकन से आप लोग इमेज को सर्च कर सकते हैं, कोई भी इमेज को। तो एक्चुअली में इसका क्या यूज है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और निकल जा रहा ना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उसमें अपना इमेज कोई भी सर्च करते हैं तो कैसे सर्च करेंगे, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। पहले मैं उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं क्या क्या है एक्चुअली में, इसका यूज क्या है। दोस्तों, यूज है इसका, अगर आप लोग आपके पास कोई भी जगह है या कोई भी बड़े हीरो हीरोइन किसी भी प्रकार की कोई भी इमेज है तो आप उसको पता करना चाहते हैं कि ये कहाँ से इमेज है, किसने मतलब कहाँ से लिया गया है, कि क्या नाम है इसका, कहाँ से है, तो इसको पता कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो को, मैं मोबाइल के कंप्यूटर में यूज होता है तो मैं इसको मोबाइल में करके बताऊंगा, तो मोबाइल में कैसे किया जाता है ये बताऊंगा। तो चलिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे होता है ये। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ और चलिए बताता हूँ। मैं अपने कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने क्रोम ओपन कर लिया। मैं www.google.com खोल लेता हूँ। देखिए www.google.com, मेरा google.com ओपन हो गया है। तो आपको सिंपली अपने क्रोम के ब्राउज़र में ये जहाँ पे तीन डॉट दिख रहा है तो यहाँ पे तीन डॉट पे ओपन टैप करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक इमेज का ऑप्शन है, इमेज का ऑप्शन, इस इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, इमेजेस। तो वहाँ पे देखिए इस कैमरे, ये देखिए कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, एक सर्च का, एक बोलने वाला, एक कैमरे का ऑप्शन। तो मैं इस कैमरे के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए पेस्ट इमेज URL, अगर आपके पास कोई भी URL है उस इमेज का तो आप URL पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं सिंपली अपलोड कर सकते हैं। मैं अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अपलोड पर क्लिक कर, ये देखिए चूज कोई भी फाइल, मतलब कोई भी इमेज अपना चूज कर लीजिए, जैसे आपको कोई भी अपलोड करना है, कोई भी चेक करना है। जो देखिए मेरी एक इमेज है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इस इमेज को चूज किया। तो देखिए अपलोड हो रहा है, थोड़ी देर में बताएगा अभी कि। देखिए ये मेरी इमेज अपलोड हुई, इसमें ये बता रहा है मेरी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से इस इमेज को लिया गया। देखिए अभिषेक मौर्य डीजे सॉन्ग, देखिए मौर्य अभिषेक डीजे सॉन्ग। दोस्तों, मेरा एक चैनल पहले भी था जिसके 3,500 सब्सक्राइबर हो गए थे और उसमें तीन स्ट्राइक लगातार आ गई थी, तो उस चैनल को यूट्यूब ने मेरे चैनल को टर्मिनेट कर दिया, वो बंद हो गया। तो मैंने अब टेक्निकल चैनल ओपन कर लिया है। तो ये देखिए फ्री में वेबसाइट कैसे बनाएं, इसको भी मैंने बताया था, तो अपने चैनल पर आप देख सकते हैं टेक्निकल याराना। ये देखिए टेक्निकल याराना से इस भी इमेज को लिया गया है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। जिस वेबसाइट से इस इमेज को लिया रहेगा आप वैसे बता सकते हैं। देखिए इस फोटो, ये देखिए सॉन्ग से रिलेटिव है, भोजपुरी सॉन्ग मैं उस चैनल पर डालता था कट करके, क्योंकि मेरा खुद का कॉन्टेंट नहीं था तो मैं इसलिए मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। तो मैं आप लोगों को एक इमेज और सर्च करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप वैसे मानेंगे। तो मैं सिंपली बाइक कर लेता हूँ। देखिए बाइक करके फिर से वही कैमरे के ऑप्शन पर क्लिक करना है आप लोगों को, अपलोड एंड इमेज पे चूज फाइल, मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक सलमान खान की इमेज है, मैं इसको सिलेक्ट कर चेक कर लेता हूँ ये किसकी इमेज है। मान लीजिए हमको नहीं पता है ये इमेज किसकी है, तो मैं इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अपलोड हो रही है, मैं बताएगा अभी इनसे रिलेटिव पूरी सारी इमेज आ जाएंगी। ये देखिए ये बताएगा सलमान खान, देख लीजिए बेस्ट गेसेस फॉर दिस इमेज। देख लीजिए इसने बता दिया सलमान खान की इमेज है।
तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ऐसे चूज कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं किसकी किसकी इमेज है किसकी नहीं। आप ऐसे कोई भी इमेज है आप बस बस से सर्च कर सकते हैं सिंपली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से अपना इमेज कोई भी सर्च करना हो तो आप सर्च कर सकते हैं ये कौन सी वेबसाइट से लिया गया है इस इमेज को। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड जानकारियाँ लाता रहता हूँ। आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए ये न्यू ट्रिक जो यूज़ कर आप लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ पाए तो नीचे कमेंट कीजिए आप लोग बताइए, और ये भी बताइए दोस्तों नीचे कमेंट करके कि आपको गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करनी रहती है तो आप लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, टाइप करके या फिर माइक से बोल के या फिर ये जो इमेज वाला है इसको आप यूज़ करते हैं तो बताइए आप भी, हमको भी पता चलना चाहिए कि आप पहले से भी यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।